हेलो दोस्तों, अभी हम हैं नजफगढ़ रोड पर। अर्बन एक्सटेंशन सेकंड यहीं से होकर निकलता है और लोकेशन है ये साईं बाबा मंदिर के बिल्कुल पास में। ये साईं बाबा मंदिर, ये उत्तम नगर की साइड जाते हुए यहाँ से ये नजफगढ़ की साइड, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे द्वारका और सीधे आपको जाएंगे तो मुंडका की साइड। ये जो सामने की साइड है ये जाएगा मुंडका की साइड और ये वाला जो पार्ट है ये द्वारका की साइड। यहाँ थोड़ा सा अभी लोगों को इश्यू है कि एंट्री एग्जिट नहीं दी जा रही है क्योंकि ये आगे दिल्ली जल बोर्ड के प्लांट में से होता हुआ जाएगा एलिवेटेड, तो वहाँ पे सर्विस लेन का इन्होंने प्रोविज़न नहीं लिया है, तो हो सकता है यहाँ पर आने वाले टाइम पर बनाएँ। अब हम यहाँ से चलते हैं नांगली नजफगढ़ रोड की साइड की, कितना काम हो गया है नांगली सकलावती होते हुए ये मैं दिखाता हूँ क्योंकि ये पुलों के ऊपर ये पिलर्स कंप्लीट हैं। अब कुछ दिन बाद इससे आगे ऐसा ही बनता हुआ दिखाई देगा। ये उस वाले पॉइंट से थोड़ा सा आगे आ गए, ये छोटी सी गली है नांगली सकलावती की साइड जाने के लिए और ये पिलर्स के ऊपर गर्डर्स लगा दिए गए हैं और ये जो नहीं लगे हैं वो नीचे अभी यहाँ ये बनाए गए हैं। ये यहाँ जो ये पुल अभी हम दिखा रहे थे ये पुल यहाँ आगे ख़त्म होगा, ये सामने नगली सकलावती। और यहाँ से अगर अभी किसी को साईं बाबा मंदिर से और उस वाले पॉइंट पे जाना है जहाँ पे ये नजफगढ़ रोड पे मिलता है तो कम से कम फ़िलहाल के टाइम पे आधा घंटा लग जाएगा, मतलब बिल्कुल खुले है तो भी मतलब 15-20 मिनट तो। और ये डिस्टेंस सही बताऊँ तो अब इतना है टू व्हीलर के लिए तो बिल्कुल चालू हो गया है, मतलब सड़क इसके आगे बनी हुई है कच्ची पक्की, मतलब है अवेलेबल है, मतलब टोटल टाइम 5 मिनट का है। यहाँ से ये फ्लाईओवर आएगा उसके बाद यहाँ से अगर हम जाते हैं जय विहार की साइड नजफगढ़ रोड पे, मतलब नांगली वाली सड़क पे, तो मतलब यहाँ से 5 मिनट भी नहीं लगने हैं, इतनी पास में, मतलब इसके बनने का इतना टाइम हम लोगों का बचेगा। ये सबसे लास्ट पिलर है इस पुल के, उसके बाद इसका लेवल ये ऐसे बनाया जाएगा, मिट्टी डाल के उसके आगे इसका स्लोप बनाया जाएगा यहाँ, और दोनों साइड सर्विस लेन का प्रोविज़न है, इस साइड है, द्वारका की साइड जाने के लिए नहीं है, तो उसका थोड़ा सा अभी इशू है। ये लेवल इस साइड कुछ हो गया है, किस साइड भी होना है, यहाँ भी शायद छोड़ा गया क्योंकि दोनों साइड आने जाने के लिए स्पेस चाहिए इनको। अब इस वाले पॉइंट से आगे चलते हैं, यहाँ बीच वाली दोनों सड़कें जो मेन हाईवे है उनमें ब्लैक टॉप कंप्लीट हो गया है, इस साइड लेवल फाइनल हो गया है, फ़िलहाल तो
पानी का छिड़काव किया जा रहा है सब जगह, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है इस टाइम। और जो सीधा की साइड वाली सर्विस लाइन है उसमें भी, सर्विस वाली जो सड़क है उसमें भी ब्लैक टॉप हो चुका है, और यहाँ भी कुछ दिनों बाद हम देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और सामने में दिखाता हूँ, यहाँ डिवाइडर भी कंप्लीट किया गया है कुछ हिस्से में। यहाँ देखो, ये मेन हाईवे है, उस साइड मेन हाईवे है, ये सर्विस रोड है, ये कंप्लीट है, ब्लैक टॉप हो चुका है, साथ में फुटपाथ बनाने के लिए वो टाइल्स पड़ी हुई हैं सामने। ये और ये वाला हाईवे, साथ में जो उस साइड वाला जो सर्विस रोड है उस पर अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, इस साइड ब्लैक टॉप हो चुका है, तीन पे हो चुका है मतलब। और यहाँ से गाड़ी से भी जा सकते हैं, मतलब साईबा मंदिर से लेके और नांगली नजफगढ़ रोड तक गाड़ी से भी जा सकते हैं, साइड में से मतलब जगह है इतनी। और टाइम काफी बचेगा इसे कंप्लीट होने के बाद। Thank you.
यहाँ था एक मंदिर, यहाँ एक मंदिर था, लास्ट ब्लॉग में दिखाया था लेकिन ये अब नहीं है। लेकिन ये बीच में ये दो मकान, ये भी ये बचे हुए हैं। उसके बाद यहाँ तो फ्लाईओवर ही आएगा। यहाँ वीडियो एंड करते हैं। ये आ गया नांगली नजफगढ़ रोड, इससे आगे पैकेज सेकंड स्टार्ट होता है। अभी यहाँ कुछ हिस्से में काम अभी मतलब बचा हुआ है नीचा वैन के लिए, शायद कुछ लैंड का भी डिस्प्यूट है। यहाँ एक कॉलोनी बीच में आती है नीचा वैन के लिए, और ये सब जय विहार। अब यहाँ से पैकेज 3 स्टार्ट होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे ये गाड़ी यहाँ से गई, ये निकल सकती है सीधे मतलब साईं बाबा मंदिर के पास, क्योंकि पहले नहीं था रास्ता। अब जैसे इन्होंने लेवल किया है तो हम जा सकते हैं यहाँ से, मतलब हार्डली अभी भी जाएंगे तो 5 मिनट लगने हैं। अब ये इस वीडियो को बस यहीं से आगे का नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। बस थोड़ा सब्सक्राइब करने में कमी मत छोड़ना, तो वो थोड़ा तेज़ी से कीजिए। वीडियो आपको इसके आगे ये दिखाता हूँ, अपडेट आपको मिलता रहेगा।